हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन शेफ। आई एम जस्मीन। आज मैं आपके साथ गजरेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में कुछ गर्म और मीठा खाने को दिल करता है, तो गजरेला जो है हम घर पर इजीली बना सकते हैं और खाने में हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गजरेला बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाजर ली है और इनको मैंने धोकर सुखा लिया है। और अब हम इसको पीलर की सहायता से पील कर लेंगे और इनका छिलका उतार देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी गाजरों को छील कर धो लेंगे। मैंने सभी गाजरों को छील कर उनको धो लिया है। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे इस ग्रेटर की सहायता से। आप इसको फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा अलग मेथड से बना रही हूँ। आज मैं इसको आपको कुकर में बनाना सिखाऊंगी। सारी ग्रेट की हुई गाजर को मैं कुकर में डाल दूंगी और इसको लिड लगाकर 2 विसल आने तक पकाएंगे। इसमें हमें वाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। 2 विसल आ चुकी हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारा प्रेशर निकलने तक इसकी वेट करेंगे। कुकर में से सारी स्टीम निकल चुकी है, अब हम लिड को ओपन करेंगे और देखेंगे। ये देखिए, गाजर हमारी जो है पक चुकी है। गाजर पक चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो हम इसको हाई फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। पानी रिड्यूस होने तक हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए हरी इलायची, ये मैंने थोड़ी पीस के रखी है, ड्राई फ्रूट, देसी घी, मिल्क, मलाई और चीनी। मैं इसमें खोआ या मावा नहीं डाल रही हूँ। जब भी हम घर पर बनाते हैं तो इसमें हम मलाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो खोआ होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है इसकी वजह से। पर अगर आप चाहें तो इसमें खोआ भी डाल सकते हैं लास्ट में। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये 2 कप दूध है। ये अकॉर्डिंग टू आपकी गाजर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 1 किलो गाजर ली है तो उसके बिहाफ पे हम 1 कप दूध डालेंगे, और 2 किलो गाजर है तो 2 कप। ऐसे ही अगर आप 3 किलो और 4 किलो लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप दूध एडजस्ट कर सकते हैं। दूध के साथ ही अब हम इसमें मलाई भी एड ऑन कर देंगे और इसको मलाई डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक उबाल आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम इसको लो फ्लेम पर कर ढक कर इसको पकने देंगे। इन बिटवीन हम इसको चेक करते रहेंगे और इसको स्टर करते रहेंगे। मिल्क जो है वो रिड्यूस हो चुका है, थोड़ा सा अभी बाकी है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड ऑन करेंगे। ये देखिए, मिल्क जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें जो है हम चीनी ऐड ऑन करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप चीनी ली है, लेकिन आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इसे कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, तो इसको भी हम अभी ड्राई करेंगे। अब हम इसमें इलायची ऐड ऑन करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर किसी को इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो इसको अवॉइड कर सकता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड ऑन करेंगे। मैंने काजू और किशमिश लिए हैं, मुझे इसमें बादाम नहीं अच्छे लगते तो मैंने उनको अवॉइड किया है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारा गजरेला ऑलमोस्ट बन चुका है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे, इससे जो है कि इसको ना एक तड़का लग जाएगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा फ्लेवर में। देसी घी डालने के बाद हमने इसको 5-10 मिनट के लिए पकाया है और ये देखिए ये तैयार है। और बिल्कुल भी जो है बर्तन को ये लग नहीं रहा है और घी इसने छोड़ दिया है अपने आप ही, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एकदम रेडी है, रेडी टू सर्व है। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। अगर किसी को मावा या खोआ पसंद है आपके गजरेले में, तो इस स्टेज पर आप उसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए पकाकर तो फिर उसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप भी बनाइए रेसिपी और मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करना ना भूलें।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।